आपके पास नोटिस दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कहाँ से आप? शाहीनबाग से। क्यों आप लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं? एमसीडी का कहना है कि वो नोटिस नहीं देते इस तरह की कार्रवाई से। देखिए, कानूनी दायरे के अंदर अगर आप संवैधानिक तरीके से अगर आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, हम समर्थन करते हैं। अगर डिमोलिशन आपको करना था तो नोटिस देना था। लेकिन सर्कुलर तो कई दिन पहले से जारी हुआ। किसका सर्कुलर? आज जिसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे उसको नोटिस नहीं देंगे? बुलडोजर चला देंगे, रन देंगे उसका घर, उसको रोड पर चला रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो याद आया, ये मकान इनके हैं। यहाँ पर सड़क पे बैठी थी बहने, अचानक आप चिन्हित करके, आप सिलेक्टिव होकर के। बिहार में भी चला मैडम? बिहार में चला होगा। यहाँ पर अगर आपको बुलडोजर डिमोलिशन करना है तो नोटिस देना होगा संविधान के दायरे में। बिहार में भी नोटिस नहीं दिया गया? मैं रौली में चला, नोटिस तो नहीं दिया। तो ये क्या संवैधानिक है? ये संवैधानिक है? असंवैधानिक है ये। एमसीडी कह रही है कि नोटिस, जहाँ पर भी इस तरीके से असंवैधानिक बुलडोजर चलाया गया है विरोध करते हैं हम। अगर संगम बिहार में चला, इसका मतलब ये नहीं शाहीनबाग में असंवैधानिक बुलडोजर चला। कार्रवाई तो हर जगह क्यों हो रही है? कार्रवाई असंवैधानिक क्यों की जा रही है? अरे गोनिका, उनसे पूछिए, अतिक्रमण उनका संवैधानिक अधिकार है क्या? देखिए, हम समर्थन करते हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम इंक्रोचमेंट का, आप इंक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं, हम समर्थन करते हैं। अतिक्रमण क्या संवैधानिक अधिकार है? गोनिका पूछिए इनसे। संवैधानिक का मतलब क्या अतिक्रमण किया जा सकता? देखिए असंवैधानिक का मेरा मतलब ये है कि देखिए, जो गरीब है, जो सड़क किनारे बैठे, जिसकी लग्जरी है, तोड़िए उसको, हम वेलकम करते हैं, समर्थन है, आपके साथ खड़े हैं, साथ खड़े को तोड़वाएंगे। लेकिन अगर किसी गरीब का रोजगार है, जो चार चीजें लेकर सड़क किनारे बैठा है और एमसीडी को पैसा दे रहा है, एमसीडी इतने सालों से उगाही कर रही है, उसके घर पर है तो वो अतिक्रमण ही सरकार घर पर, तो 15 अचानक आपको याद आएगा क्या? उसके लिए आप इंतजाम नहीं करेंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे? रेड़ी पटरी वालों को शिफ्ट नहीं करेंगे क्या? रेड़ी पटरी वालों को एक दिन पहले आपने सूचना दी? कहाँ दी है सूचना? दी गई है सूचना? कोई सूचना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर लोगों ने खुद से एहतियातन यहाँ से अपना सामान उठाया है। कोई नोटिस नहीं, आप मुझे दिखा दीजिए कौन सा नोटिस इशू किया? वो कह रहे हैं हम इशू नहीं करते, हम सर्कुलर। एग्जैक्टली, तो ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। और असंवैधानिक बुलडोजर का विरोध करते हैं। ये याद है, जो महिला है यहाँ पर, ये यही की निवासी है, और ये सभी जो लोग हैं वो यही के निवासी हैं, और उनका कहना है कि ये असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। लेकिन एमसीडी साफ तौर पर मीनाक्षी अमीषा कहता है कि ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस नहीं दिया जाता। जो एक दो मूल बात मुझे समझ में आई गौनिका आपकी इस पूरी बातचीत से, वो ये बार बार कह रही हैं कि एक नोटिस दिया जाना चाहिए, जबकि आप उन्हें समझाती रहे कि नहीं, सर्कुलर जारी किया जाता है और बता दिया जाता है आप अतिक्रमण हटाएं क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर जतिन भी बात करें आम लोगों से, हम वो भी रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ लोग खुद अपने, यहाँ के जो आरडब्ल्यू वाले वो खुद कहते हैं कि यहाँ से हटाओ, हम हर हफ्ते 15-20 दिन में लगाते हैं। ऐसी बात नहीं, क्या हम चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।